गुजरात में बीजेपी से बगावत से परेशान अमित शाह ने निकाला ब्रह्मास्त्र। बागियों को साफ संदेश, मान जाएं नहीं तो इंतजार में 14वां रन। कांग्रेस का दावा, बागियों पर ईडी की शुरू होने वाली है छापेमारी। गुजरात चुनाव में ईडी सीबीआई की भी होगी एंट्री। गुजरात में चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। हिमाचल का चुनाव निपट चुका है, नेता अब गुजरात के लिए फ्री है। वो पूरी ताकत से चुनाव में जुटने की तैयारी कर रहे हैं। हिमाचल से जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी को डरा रही हैं। चुनाव के बाद बीजेपी के सर्वे ही उसे डराने वाली रिपोर्ट दे रहे हैं। दबे सुर में बीजेपी नेता भी कह रहे हैं, जितना सोचा था बागियों ने उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। दूसरी ओर कांग्रेस, जो चुनाव से पहले मुकाबले में ही नहीं मानी जा रही थी, वो अब बीजेपी पर भारी दिख रही है। कांग्रेस को उम्मीद प्रियंका गांधी ने दी, पुरानी पेंशन योजना से इसे आगे और बढ़ाया, लेकिन बीजेपी के बागी ही कांग्रेस के सत्ता के करीब पहुंचाते दिख रहे हैं। बागियों ने हिमाचल में तो बीजेपी का खेल बिगाड़ा ही, अब बगावत की यह आग गुजरात भी पहुंच गई है। बीजेपी नेता ही दावा कर रहे हैं कि अब तक 40 सीटों पर बगावत का असर दिखना भी शुरू हो गया है। बगावत की खबरों से बीजेपी हाईकमान परेशान दिख रहा है। बगावत को रोकने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हो गए हैं। दावे तो पीएम मोदी की सक्रियता के भी किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में तो पीएम मोदी और बीजेपी के बागी उम्मीदवार की बातचीत का एक वीडियो भी खूब वायरल हो गया था। इसलिए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बगावत को थामने के लिए अमित शाह ने गुजरात में डेरा डाल दिया है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश तेज हो गई है, क्योंकि इस बार इतनी बड़ी बगावत होगी इसका एहसास पीएम मोदी और अमित शाह को भी नहीं था। नाराज नेताओं को अब मनाने की कोशिशें चल रही हैं। बीजेपी के राज्य कार्यालय में बैठकें चल रही हैं। अमित शाह पार्टी नेताओं की बैठकें ले रहे हैं। जिन सीटों पर बगावत की खबरें आ रही हैं उन पर अलग से चर्चा हो रही है। एक एक सीट पर बात हो रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर नाराज नेताओं को मनाने की मैं पार्टी कामयाब नहीं हो पाती है तो बीजेपी के भागी मध्य गुजरात की 6, सौराष्ट्र की 7 और उत्तर गुजरात की 7 सीटों पर पार्टी के सारे समीकरण बिगाड़ सकते हैं। नाराज नेताओं को चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर मनाया जा रहा है। जो लोग ज्यादा नाराज हैं उन्हें संगठन या सरकारी निगमों के पद में एडजस्ट करने जैसे फॉर्मूले पर भी चर्चा चल रही है, लेकिन जो लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं है उन पर एक्शन की बातें भी हो रही है। शाह ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक में कहा, नाराज सभी लोग पार्टी और परिवार के हैं, उन पर दबाव डालने के बदले समझाकर और प्रेम से काम लो। जो समझाने पर ना माने तो उन्हें 14वां रत्न दिखाने का दिल्ली से आदेश है। जब तक जरूरत ना पड़े तब तक ये ब्रह्मास्त्र को मत छोड़ना, और जरूरत पड़े तो ब्रह्मास्त्र चलाया जाएगा। साफ है, अब बीजेपी ने नाराज नेताओं को सीधे सीधे संदेश पहुंचा दिया है। मनाया जा रहा है, मान जाइए, नहीं तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। बीजेपी नेताओं के इन तेवरों पर कांग्रेस ने भी चिंता जताई है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि शाह ने सीधे सीधे ईडी की छापेमारी की बात कही है। ईडी, सीबीआई और आईटी ये संस्थाएं बीजेपी के रत्नों में शामिल हैं, और शाह ने जिन 14वें रत्न की बात की है वो केंद्रीय एजेंसी ईडी है। साफ है, गुजरात चुनाव में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।